जिंदगी ही एक सफर है सुहाना, यहाँ कर क्या हो किसने जाना। एक्चुअली लाइफ हम इस तरह से जीते हैं कि जैसे कि पूरी जिंदगी पड़ी है, बट देखा जाए ना तो लाइफ बड़ी छोटी सी है। आज जो है उसे जी लेते हैं, कल किसने देखा है। हाय, डिस्पैच पे आप सुन रहे हैं आज आपकी अपनी जम्मू दी कुलीश मातमा को, और धूप बड़ी मजेदार सी है, मौसम बदलने लगा है, और इसी सब के साथ में जहन में आता है किस तरह से हमारी जिंदगी ट्रांजिशंस में बदलती रहती है और हमें रियलाइज भी नहीं होता कि कितने सारे फेजेस अप्स और डाउन्स के कवर करते करते हम वहां पहुंच जाते हैं जहां हम सच में पहुंचना चाहते हैं। बचपन की अगर बात करूं तो उधमपुर शहर से हूँ और अप टू 12th सारी पढ़ाई वहीं पर की। कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा से शौक था, और वो शायद इसलिए भी था क्योंकि पापा भी, मम्मा भी, दादी भी, दादू भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ से हमेशा जुड़े हुए थे, और वो रुझान मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं हमेशा जिंदा रहा। वक्त चलता रहा, कारवां चलता रहा। ग्रेजुएशन की जब बात आई तो डिसाइड किया फैमिली ने कि इंजीनियरिंग करवानी है, और मुझे बीटेक करने के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर भेज दिया गया। 12th का स्कोर बहुत अच्छा नहीं था एंड आई वाज समहाउ डिसअपॉइंटेड विद माय ओन परफॉर्मेंस, तो डिसाइड किया कि यार बस अब कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं करनी, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। बट वो एक साल कहीं ना कहीं श्वेतमा ने अपने आप को ना खत्म होता पाया। सेकेंड ईयर मतलब 2009 जब शुरू हुआ तो मन में आया कि नहीं यार वापस से श्वेतमा जिंदा चाहिए, तो कहीं ना कहीं कल्चरल क्लब्स में जाना शुरू किया। म्यूजिक, डांस, थिएटर, लिटरेरी एक्टिविटीज, हर किसी से जुड़ाव वापस से बनने लग गया। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि यूनिवर्सिटी उस वक्त पहली बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने वाली थी, एंड शायद थोड़ा सा पागलपन, थोड़ा सा जुनून था जिसकी वजह से मेरी सिलेक्शन 3 अलग अलग इवेंट्स के लिए हो गई, इंडियन ग्रुप सॉन्ग, वेस्टर्न ग्रुप सॉन्ग एंड क्रिएटिव डांस। और लकीली क्रिएटिव डांस में 3rd प्राइज, वेस्टर्न ग्रुप सॉन्ग में 3rd प्राइज, और फिर यूनिवर्सिटी की सेलिब्रिटीज में एक नाम श्वेतमा का भी जुड़ गया। 2009 से लेके 2014 का सफर जो यूनिवर्सिटी का था, बहुत सारे गोल्ड मेडल्स कथक की दुनिया में, फोक ऑर्केस्ट्रा में, म्यूजिक में, लिटरेरी में, थिएटर में मिलते गए, और कब श्वेतमा LPU में एक स्टार वाली फेज में आ गई पता ही नहीं चला। बट यू नो धक्का कब लगा, जैसे यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर 25,000 बच्चे थे तो उसमें से अप्रॉक्स 20,000 जानते थे, बट आउटसाइड दैट नोबडी। पहले तो फिगर आउट करना मुश्किल हो रहा था कि यार अब वेयर डू आई स्टैंड, वो जो हीरो बन गए थे वापस जीरो पर आ गए हो, पर शायद से ना वो धक्का बड़ा जरूरी था लाइफ को वापस से किक स्टार्ट करने के लिए। सफर फिर शुरू हो गया, जॉब की तलाश आज हर किसी को रहती है, मल्टीनेशनल फर्म्स में बहुत जगह इंटरव्यूज दिए एंड फाइनली कुछ अच्छी नौकरी भी मिल गई। ऑलमोस्ट 2 साल दिल्ली में नौकरी की, बट देन मम्मी का ड्रामा वापस से शुरू। अब तो शादी करवानी है, घर वापस आ जाओ, ठीक है अब माँ की जिद के आगे तो क्या ही कर सकते हैं। 2016 इनिशियल मंथ्स में ही रेजिग्नेशन दिया और वापस घर। थैंकफुली मेरे पेरेंट्स स्कूल चलाते हैं, सो मम्मा का हाथ बटाना शुरू कर दिया स्कूल को ग्रो करने के लिए, बट किस्मत का शायद कुछ और मंजूर था। दिल भी कहीं ना कहीं कह रहा था कि यार इतना काफी नहीं है, यू आर मेंट टू डू समथिंग मोर, और वैसा ही कुछ मौका जिंदगी ने दिया। 2016 जून जुलाई की बात है, पता चला रेडियो मिर्ची के ऑडिशंस हो रहे हैं, चले गए जी ऑडिशंस देने, बट ये नहीं पता था कि जिंदगी वहां से एक ऐसा पलटा लेगी कि श्वेतमा मिर्ची श्वेतमा बन जाएगी। हायरिंग हुई, उसके बाद दिल्ली भेजा गया, चंडीगढ़ भेजा गया ट्रेनिंग्स के लिए, एंड अप्रॉक्स 1 साल का वक्त लगा जम्मू का स्टेशन सेटअप होने में। अक्टूबर 2017 जम्मू में रेडियो मिर्ची ऑफिशियली लॉन्च हुआ और उसकी पहली आवाज बनने का मौका मिला श्वेतमा को। बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था, और आज भी जब भी याद करती हूँ ना गूज़बम्प्स होते हैं, क्योंकि दुनिया भर के लिए आप जो मर्जी हो, जब आपके अपने लोगों में आपको पहचान मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, वो एक अलग सा वाइब होता है, अलग सा फील होता है, एंड
आई ऑलमोस्ट अब 3 साल होने को आ गए हैं रेडियो वाली दुनिया में, तो अब ऐसा लगता है कि यार जितना प्यार मुझे मेरे जम्मू ने दिया ना पूरी दुनिया नहीं दे सकती। लवली में जो फेम मिला था वो अपनी जगह, बट अपने लोगों से जो प्यार मिला दैट्स अनमैचेबल। एंड हमेशा बस दुआ रहती है ये प्यार ऐसी बरकरार रहे, हम लाइफ में ऐसे ही जुड़े रहें और साथ में ग्रो करते रहें। रेडियो की दुनिया के सफर में बहुत छोटे स्पैन में श्वेतमा को आपने मिर्ची श्वेतमा बनाया, जम्मू दी कुड़ी का वो जो टाइटल मुझे मिला उसे मैं आज भी दिल से सबसे करीब मानती हूँ। बेस्ट आरजे ऑफ द ईयर अवार्ड बहुत शॉर्ट नोटिस पे मिला, शायद आप ही के प्यार की वजह से, बिकॉज एक आरजे तब आरजे बनता है जब उसके पास ऐसे लिसनर्स होते हैं जो उसे सुनते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, नाराजगी भी जाहिर करते हैं कि आप यहाँ गलत हो, और अपना व्यू पॉइंट भी शेयर कर पाते हैं। सो आई बिलीव ऑल आई एम इज बिकॉज ऑफ यू, अगर आप नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं। और एक सवाल अक्सर जो मुझे पूछा जाता है कि सोशल मीडिया पे इतनी जल्दी आपकी फैन फॉलोइंग कैसे हो गई, मुझे लगता है कि मैं रेडियो में और असल जिंदगी में दो अलग इंसान नहीं हूँ। मैं रेडियो पे भी वैसी हूँ, डिजिटल वर्ल्ड में भी वैसी हूँ, और असल जिंदगी में भी वैसी हूँ, और वो हमारा कनेक्शन ना बड़ा स्ट्रांग वाला बना देता है, और ये कनेक्शन ऐसा ही रहे बस यही दुआ रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ऑन द डिस्पैच, मैं हूँ आपकी अपनी मिर्ची श्वेतमा।